हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं गुड बॉयज़ मूवीज़ का, जो एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। जिस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है सिक्स क्लास के तीन बच्चों की, जो लोग अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं और ज़्यादा मैच्योर दिखाना चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग एट्थ क्लास के बच्चे हैं और इनको लगता है कि एट्थ क्लास के बच्चे बड़े होते हैं, इसीलिए ये लोग पॉर्न वीडियोज़ देखते हैं, सेक्स टॉयज के साथ खेलते हैं। इनको नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि ये लोग अपने आप को बड़ा समझ सकें, अपने आप को बड़ा दिखा सकें। लेकिन इसी बीच इन लोगों को इन्विटेशन मिलता है किसिंग पार्टी का, जहाँ ये लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों में से जो एक दोस्त है जिसका नाम मैक्स है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना चाहता है, लेकिन इसे नहीं पता कि आखिर किस कैसे की जाती है। लेकिन इसके दोस्त ये बेड़ा उठाते हैं कि वो लोग इसको सिखाएंगे कि आखिर कैसे किस की जाती है, जबकि उनको भी नहीं आता कि आखिर किस कैसे की जाती है। वो लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, पॉर्न वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे भी उनको कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग एक लड़की के ऊपर नजर रखते हैं ताकि ये लोग देख सकें कि आखिर ये अपने बॉयफ्रेंड को कैसे किस करती है। लेकिन उस बीच ये लोग एक बहुत भारी मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनको अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, इनको ड्रग्स खरीदने पड़ते हैं, पुलिस से बचना पड़ता है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब आपको यह देखना है कि मैक्स मूवी के अंत तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर पाता है या नहीं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यह मूवी उतनी ज्यादा भी कॉमेडी वाली मूवी नहीं है जितना आप इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अमेरिकन पाई जैसी मूवीज देखी हैं तो आप इस मूवी से वैसी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि यह मूवी आपको बहुत ज्यादा हंसाने वाली है, क्योंकि अगर आपने बहुत सी कॉमेडी मूवीज देख रखी है तो यह मूवी आपको एक नॉर्मल सी मूवी लगेगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो लोग ज्यादा कॉमेडी मूवीज नहीं देखते और मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी। इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इस मूवी के अंदर ये जो तीनों एक्टर्स हैं, इन लोगों ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये लोग बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि कोई एडल्ट हमारे सामने एक्टिंग कर रहा हो। एक्चुअली हमें पता ही नहीं लगता कि कोई एक्टिंग कर रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। इन लोगों की एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है इस मूवी के अंदर, क्योंकि ये लोग छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जिस तरह की एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको लगेगा कि ये कोई एडल्ट्स हैं। जिस तरह की बात ये मूवी के अंदर करते हैं, जिस तरह के डायलॉग डिलीवरी देते हैं और जिस तरीके से ये लोग गालियां देते हैं, तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक कॉमेडी मूवी है जिसको आप अपने टाइम पास के लिए देख सकते हैं, क्योंकि अब ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी आ चुकी है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।